साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर असंभव चीज को संभव कर रहा है। मेहुल अपने घर पे टीवी देख रहा था, जहां टीवी पर एक साइंटिस्ट कहता है, यह पॉसिबल है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक ऐसा टेलीविजन बनाएंगे जिसमें जो चीज दिख रहा होगा उसे हम रियल में प्राप्त कर सके। ये बिल्कुल जादुई टीवी जैसा होगा। और इसके अगले ही दिन उस साइंटिस्ट की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी उसके घर पे मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। उसे शक होता है कि जरूर किसी ने साइंटिस्ट का मर्डर किया है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है कि आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। किसी ने साइंटिस्ट के हाथ की कलाई काटकर ब्लेड को उसी के हाथ में पकड़ा दिया, पर जल्दबाजी में उसने ब्लेड को उसी हाथ में पकड़ा दिया। मेहुल ब्लेड पर लगे सारे फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और डेड बॉडी के भी कुछ फोटोज खींच लेता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि साइंटिस्ट की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी थी। इसका मतलब साइंटिस्ट को किसी ने रात में ही मार दिया था। मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता। कातिल ने यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इसके बाद मेहुल साइंटिस्ट की डेड बॉडी के फोटोज देखता है और वो समझ जाता है कि साइंटिस्ट को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और मारा गया था और उसकी डेड बॉडी को उठाकर उसके घर पर रख दिया गया। तो क्या आप इन फोटोज को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि साइंटिस्ट को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और मारा गया था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्योंकि फोटो में साइंटिस्ट की कलाई तो कटी हुई है मगर खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसी से मेहुल को समझता है कि साइंटिस्ट को कहीं और मारा गया था और उसे मारकर यहाँ फेंक दिया गया ताकि कोई पता ना कर सके कि उसे कहाँ मारा गया है। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाता है। लैब एक साइंस के सवाल से लॉक्ड है, तो क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब क्या होगा? दुनिया में सबसे पहला टेलीविजन किसने बनाया था? ए थॉमसन, बी आइंस्टाइन, सी जॉन लोगी बेड या डी डॉक्टर स्मिथ? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका जवाब है जेएल बेड। मेहुल जेएल बेड पे क्लिक करता है और दरवाजा खुल जाता है। मेहुल जब अंदर जाता है तो सरप्राइज हो जाता है, वहां हर जमाने के और हर प्रकार के टीवी रखे हुए थे। इसका मतलब साइंटिस्ट ने टीवी पर बहुत रिसर्च की है। मेहुल पूरे लैब की अच्छे से छानबीन करता है तो उसे वहां कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। वो उन्हें डॉक्टर संजना के पास भिजवा देता है। मेहुल को लैब में बहुत सारा खून भी दिखता है, उसके सैंपल्स भी वो डॉक्टर संजना के पास भिजवा देता है ताकि पता चल सके ये खून किसका है। मेहुल को वहां पे साइंटिस्ट का पर्सनल कंप्यूटर भी मिलता है, वो उसे ओपन करता है। साइंटिस्ट एक ऐसी टीवी बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें जो दिखता है वो हम रियल में प्राप्त कर सके। उसने इसे जादुई टीवी का नाम दिया था। मेहुल उस साइंटिस्ट की पूरी रिसर्च पढ़ता है। मेहुल को यकीन हो जाता है कि साइंटिस्ट जादुई टीवी बनाने के बिल्कुल करीब था, या हो सकता है उसने टीवी बना भी लिया हो और इसलिए ये मर्डर हुआ हो। तभी मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि लैब में मिला खून और साइंटिस्ट का खून एक ही है और साइंटिस्ट के हाथ में जो ब्लेड थी उसमें जो फिंगरप्रिंट्स थे वो लैब के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। मतलब खून लैब में हुआ है और फिंगरप्रिंट्स खूनी के ही है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि शहर में एक और साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। साइंटिस्ट फांसी पे लटका हुआ था। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं ये मर्डर है या सुसाइड है? ध्यान से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एक मर्डर है क्योंकि साइंटिस्ट फांसी पर लटका हुआ है पर उसके नीचे कोई भी कुर्सी या टेबल नहीं है। आखिर वो फांसी पर चढ़ा कैसे होगा? किसी ने साइंटिस्ट को मारकर फांसी पर लटका दिया। मेहुल साइंटिस्ट की फिंगरप्रिंट्स और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। इसके बाद कुछ सोचता हुआ वो अपनी गाड़ी पर निकल जाता है। तभी डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो कहती है कि पहले साइंटिस्ट की डेड बॉडी पर जो ब्लेड मिला था उस पर मिले फिंगरप्रिंट्स और दूसरे साइंटिस्ट के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। इसका मतलब पहले साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट ने मारा था। अगर पहले साइंटिस्ट को दूसरे साइंटिस्ट ने मारा था तो फिर दूसरे साइंटिस्ट को किसने मारा होगा? हो ना हो ये जरूर उस जादुई टीवी के लिए हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अगर वो जादुई टीवी किसी गलत हाथ चला गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तभी मेहुल के पास दूसरे साइंटिस्ट की वाइफ का कॉल आता है और मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से उसके घर चला जाता है। साइंटिस्ट की पत्नी मेहुल से कहती है कि उसके पति ने घर के बेसमेंट में एक लैब बना रखी थी जहां वह टीवी पर रिसर्च कर रहा था और मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द अपने पास सब कुछ होगा। और इसके बाद यह हादसा हो गया
और साइंटिस्ट की पत्नी रोने लगती है। मेहुल तुरंत दूसरे साइंटिस्ट के बेसमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा एक 3 अंकों वाले पासवर्ड से लॉक था। तो क्या आप इन हिंट्स को देख के बता सकते हैं डोर को ओपन करने का पासवर्ड क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सॉल्यूशन है 343। पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 2 से और तीसरे को 3 से। अब 1 2 3 में 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 2 हो जाएगा 4 और 3 × 3 हो जाएगा 9, इसलिए कोड है 149। तो आंसर के लिए 3 2 1 में 3 × 1, 2 × 2 और 1 × 3, तो कोड हो जाएगा 343। मेहुल पासवर्ड खोल लेता है और लैब के अंदर जाता है तो देखता है कि दूसरे साइंटिस्ट ने भी पहले साइंटिस्ट की जैसे हर प्रकार की टीवियों को रखा है और उन पर रिसर्च कर रहा है। मेहुल दूसरे साइंटिस्ट के कंप्यूटर को ओपन करता है पर कुछ खास नहीं मिलता। तभी मेहुल को एक सीक्रेट फाइल दिखती है जो साइंटिस्ट के फिंगरप्रिंट से खुलती है। तो क्या बता सकते हैं अब मेहुल इसे कैसे खोलेगा? साइंटिस्ट तो मर चुका है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल ने साइंटिस्ट की डेड बॉडी से उसका फिंगरप्रिंट्स लिए थे, उसी फिंगरप्रिंट्स की कॉपी एक ग्लव में लगाकर वो फाइल को ओपन कर लेता है। वहां उसे जादुई टीवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसे पता चलता है कि दूसरे साइंटिस्ट ने ये जादुई टीवी किसी आतंकवादी को बेच दी है और उस आतंकवादी ने साइंटिस्ट को जादुई टीवी लेने के बाद तुरंत मार दिया ताकि ये राज रह जाए। तभी मेहुल को आलिया का कॉल आता है कि जंगल में रातों रात एक महल बन गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये महल किसने बनाया है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी ये महल किसने बनाया होगा? सोचिए सोचिए। जादुई टीवी की मदद से जरूर उन आतंकवादियों ने ये महल बनाया होगा। मेहुल तुरंत जंगल पहुंच जाता है और उसे वहां आलिया भी मिल जाती है। आलिया तुम मेरी हेल्प करना छोड़ दो, अभी मैं अकेली भी केस सॉल्व कर सकता हूँ। मेहुल आलिया को इग्नोर करके महल के अंदर चला जाता है। वहां कुछ आतंकवादी थे, देख के लगता है इन्होंने जादुई टीवी की मदद से बहुत सारा खाना लाया और खा के सो गए हैं। मेहुल जादुई टीवी उठाने जाता है कि तभी एक आतंकवादी उसे पीछे से डंडा मारता है और मेहुल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी आलिया पीछे से आती है और आतंकवादी को सर पर डंडा मारती है और वो आतंकवादी वहां गिर जाता है। आलिया जादुई टीवी की मदद से पानी बाहर निकालती है और मेहुल के ऊपर छिड़कती है। मेहुल को होश आ जाता है। उतने में सारे आतंकवादी उठ जाते हैं और दोनों पे फायरिंग करने लगते हैं। आलिया जादुई टीवी की मदद से एक शील्ड निकालती है और दोनों फायरिंग से बच जाते हैं। मेहुल फिर जादुई टीवी से स्लीपिंग गैस निकालता है और सब आतंकवादियों को सुला देता है। पुलिस आके सबको पकड़ लेती है और जादुई टीवी को नष्ट कर दिया जाता है। केस सॉल्व। लेकिन इस बार हु रॉक्स, आलिया या मेहुल? मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू।